गुड इवनिंग फ्रेंड, गिवान एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था कि NTPC का एग्ज़ाम कब से प्रारंभ होने वाला है और मैंने डेट के बारे में बताया था और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था दोस्तों, जो हमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड या यूँ कहें आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से ये जारी कर दिया गया था कि 15 दिसंबर से NTPC का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराना स्टार्ट किया जाएगा और CBT 1 15 तारीख से ही स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। तो आज ही दोस्तों ये और बड़ी खुशखबरी है कि जो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम जिस तरह से पेंडिंग किया गया था और अभी अभी ये नोटिस आया गया है कि दोस्तों कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो भी हमारा 15 तारीख से ही कराया जाएगा, यानी कि 15 दिसंबर से ही कराया जाएगा दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की और से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि जो NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है सेम डेट और सेम से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, लेकिन हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से ये कंफर्म नहीं किया गया है कि दोनों जो एग्ज़ाम है उसका कंडक्ट कौन करेगा दोस्तों। तो एजेंसियों का निर्धारण अभी किया नहीं है और एजेंसियों के बारे में हमें अभी बताया नहीं गया है दोस्तों। जैसे ही मुझे एजेंसियों के बारे में पता चलेगा कि किन किन एजेंसियों को NTPC और किन एजेंसियों को ग्रुप डी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया है, क्योंकि दोस्तों मे बी पॉसिबल है कि ग्रुप डी और NTPC दोनों एक ही एजेंसियों के द्वारा कराए जा सकता है दोस्तों, लेकिन ये अभी इसका निर्धारण नहीं किया गया है दोस्तों। आइए मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर से ले जाता हूँ दोस्तों कि हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या छापा गया है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, हम नोटिस पे आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ RRB NTPC के बाद होगी रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा, अलग अलग एजेंसियाँ कराएगी एग्ज़ाम। नीचे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि 2020 15 दिसंबर तक प्रस्तावित रेलवे की लंबित परीक्षा अलग अलग एजेंसियां कराई गई। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों पूरा ये नोटिस छापा गया है कि कैसे ये टेंडर दिया जाएगा, कब लिया जाएगा और इसका डेट भी मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। RRB NTPC का जो डेट का निर्धारण है वो तो पहले ही कर दिया गया था लोगों को, लेकिन आज के डेट पे RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में भी जो नोटिस है वो हमें सेंड कर दिया गया है दोस्तों। आप खुद ही देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि RRB इलाहाबाद के चेयरमैन ग्रुप डी की परीक्षा को नोएडा एजेंसी RRB चेन्नई और पटना को निजी एजेंसियों का चयन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NTPC का जो निर्धारण डेट का निर्धारण है वो हमारा शनिवार को ही कर दिया गया था और आज के डेट में हमारा जो ग्रुप डी के बारे में भी जानकारी दे दी गई है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 1 दोनों एग्ज़ाम, चाहे वो RRB NTPC हो या ग्रुप डी हो, दोनों का निर्धारण 15 दिसंबर से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों आप अगर एग्ज़ाम से जुड़े हुए हो या एग्ज़ाम का फॉर्म भरे हो तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि ये 15 दिसंबर से आपका जो एग्ज़ाम का निर्धारण किया गया है RRB NTPC और ग्रुप डी दोनों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा NTPC और ग्रुप डी के बारे में एक पूरी तरह से जानकारी कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा। मैंने आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया कि किस तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से घोषणा की गई है दोस्तों। ठीक है, मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।